विभागीय आदेश के आलोक में मधवापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित लक्ष्मी जनता प्लस टू उच्च विद्यालय में अभिभावक शिक्षक गोष्ठी सह छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड प्रधान शिक्षक भवेश झा मौजूद रहे। मौके पर विद्यालय के प्रधान शिक्षक इंद्रदेव शाह की अध्यक्षता व संचालन में छात्र अभिभावक एवं शिक्षकों की उपस्थिति में प्रगति पत्रक के तहत 9वीं से 11वीं वर्ग के प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय के रिटायर्ड व प्रधान शिक्षक ने संयुक्त रूप से प्रगति पत्रक प्रशस्ति पत्र व मेडल प्रदान कर पुरस्कृत किया। पुरस्कृत होने वाले कक्षा 9वीं के आदर्श कुमार झा, मेघा कुमारी, संजना कुमारी, 10वीं के आदित्य पूर्वे, मुकेश कुमार, राजन पंडित, अंकुश कुमार, प्रेम शंकर सिंह, 11वीं की पुष्पा कुमारी, शावरीन खातून, असहदी खातून शामिल है। जबकि समारोह में गीत संगीत नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम में विजेता शिव कुमार झा, अनुभव कुमार, भारती कुमारी, शावरीन खातून आदि छात्र छात्राओं को मेडल से सम्मानित किया गया। प्रधान शिक्षक इंद्रदेव शाह ने कहा कि विभागीय आदेश के आलोक में छात्रों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे में पढ़ने के प्रति लगन और उसे पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना है। अभिभावक अपने बच्चों के प्रति दायित्व का निर्वहन करें और बच्चों को समय से विद्यालय भेजें। समारोह को रिटायर्ड प्रधान शिक्षक भवेश झा, शिक्षक सुशील कुमार साह, प्रशांत कुमार, दिलीप कुमार, नीलू कुमारी, कविता कुमारी, रानी कुमारी, दीपशिखा सिंह, शिल्पी कुमारी, रूना कुमारी, अर्चना कुमारी सहित शिक्षक शिक्षिका ने संबोधित किया। मौके पर सभी वर्ग के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जो विकास करने की योग्य हो आप उसे वोट दीजिए। ऐसा आजकल कलयुग में कोई नहीं है, बहुत ही कम है। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप उसे पहचानते नहीं। आप पैसे और दारू के लालच में आके दूसरे प्रतिनिधि को वोट दे देते हैं। वोट लेने का रहता है तो आता है मांगने, और देने के बाद वोट देने के बाद कोई विकास नहीं करते है गाँव में। यही तो आप लोगों का गलती है। आप अच्छे को चुन के वोट दीजिए, जो पैसे लेकर के वोट मत दीजिए, जो आपको पैसे देने आता है उससे वोट मत दीजिए। सभी प्रतिनिधि ऐसा ही करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वोट के बाद हमें एक बार भी देखने आए। 5 साल के लिए वो हमारे राजनीतिक मालिक हो। जो मुख्यतः विभागीय आदेश के आलोक में दीक्षांत समारोह या उसको ये कह सकते हैं अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, इसमें मुख्यतः विभागीय आदेश के आलोक में इस विद्यालय में क्लास 9, 10, 11 और 12 के टॉपर्स, साथ ही साथ एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के मैट्रिक जो बिहार बोर्ड कंडक्ट करती है, मैट्रिक और 12th के टॉपर्स, 1st, 2nd और 3rd को इस विद्यालय की तरफ से बुला करके उनके गार्जियन के सामने उस बच्चे का हौसला को बुलंद करना। इसीलिए मुख्यतः ज्यादातर सभी बच्चे और बच्चियों को ये बोला गया था कि आप हमेशा अपने गार्जियन के साथ आएंगे, इसीलिए इसमें हौसला को बुलंद करने के लिए जो भी गार्जियन जहाँ पे आए हैं विद्यालय परिवार की ओर से, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।